अच्छा बदलता जा रहा है। और आपने गहलोत गुट के जो मंत्री हैं विधायक उनको सुना और बोलते बोलते ये कि वो ये भी कह गए कि भाई आलाकमान हमारा सुनता नहीं, हम विद्रोह को भी तैयार है, लेकिन कह रहे भाई हम जान देने को भी तैयार। दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन बात बात में वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन लेकिन वो सचिन पायलट पर भी वो बोल रहे थे कि भाई उनके पास 15-20 विधायक हैं, 15-20 विधायक हैं, यानी उनका इशारा सचिन पायलट। बड़ी खबर आ रही है गहलोत के करीबी गोविंद डोटासरा का दावा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 100 विधायक उनके साथ हैं जो इस्तीफा देने को तैयार हैं, यानी गहलोत गुट के विधायक हैं और ये विधायक इस्तीफा देने को तैयार नहीं। पायलट बतौर सीएम इनको मंजूर है ही नहीं। अब आप देखिए पूरी कवायद हो रही है कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से सीएम बनने से रोका जाए, लेकिन कह रहे भाई बीजेपी का षड्यंत्र हम तोड़ने निकल रहे हैं। करीब 100 विधायक हैं जो हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इन सब के बीच, आप देखिए घटनाक्रम तेजी से बदल है। स्पीकर के घर पहुंचे गहलोत समर्थक विधायक और स्पीकर सीपी जोशी के घर पहुंचे हैं 100 विधायक। आप सोचिए कि सीएम आवास के बगल में सीएम आवास है, वहां पर मीटिंग होनी थी वहां पर नहीं गए, लेकिन स्पीकर के घर पहुंचे हुए हैं और ये लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पे सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से गुटबाजी है कांग्रेस में। लेकिन प्रताप सिंह मीडिया से ही भड़क जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई आप लोग मुझे सिखाएंगे क्या करना है, लेकिन बातों बातों में वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का षड्यंत्र उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर किस तरीके से सरफुटौल मची हुई है और वो कह रहे हैं कि भाई एक के पास 15-20 विधायक हैं और एक के पास 118 विधायक हैं, यानी उनका इशारा सचिन पायलट की तरफ से है, वो सीधे सीधे सचिन पायलट पर हमलावर है और नाम ले रहे हैं बीजेपी का। यानी आप सोचिए किस तरीके की नौबत आई है। दिल्ली से दो लोग गए हैं, एक लोग पर्यवेक्षक एक वहाँ के प्रभारी, बातचीत करने के लिए कि भाई अध्यक्ष पद को लेकर सारे पीसीसी मेंबर्स को तैयार किया जाए, आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन उनके सामने ही सिर्फ टोवल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं भाई आइए विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन देखिए वहाँ किस तरह की राजनीति हो रही है। और शांति धारीवाल के घर पे एक बैठक हुई और फिर वहाँ से बस में या कुछ अपने गाड़ियों से विधायक पहुँचे, लेकिन सीएम आवास तक नहीं गए जहाँ पर बैठक होनी है, वहाँ से वो स्पीकर के घर पे पहुँच चुके हैं जोशी जी के घर पे। और खबर तो ये भी है कि जो सीपी जोशी हैं उनका भी नाम सीएम पद के दौड़ में आगे चल रहा है। तो ये पूरी कवायद है गहलोत खेमे की तरफ से कि सचिन पायलट को रोका जाए। दूसरी चीज की आला कमान जबरदस्ती कोई फैसला थोपेगा तो उसको नहीं माना जाएगा। किसी राज्य के लिए आगे राज्यों के लिए भी मैसेज है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने हटाया, विधायक दल की बैठक की जानकारी तक, देखिए खाचरियावास यहाँ आ रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो भाषण भी देते हैं, अच्छा बोलते भी हैं। देखिए अभी उनके समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अशोक गहलोत ने ये बता दिया है कि राजस्थान के राजनीति के नेता और माहिर या जादूगर जो भी हैं अशोक गहलोत ही हैं, जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा होता है और वैसा करते हुए सफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी देखिए बता रहे थे कि किस तरीके से, और हम लोग भी यही लगातार चर्चा कर रहे थे जब वो केरल में गए थे राहुल से मिलने के लिए और राहुल ने उनसे कहा कि भाई एक व्यक्ति एक पद, और उसके बाद सचिन पायलट ने गहलोत खेमे के कुछ विधायकों को फोन किया था, उनसे बातचीत की थी, इसके बाद से अब गहलोत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बिल्कुल यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें, अब धीरे धीरे यहाँ पर जो समर्थक हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगातार नारेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि मानो अशोक गहलोत जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कहीं उनका मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि यही 500 मीटर की दूरी पर बैठकर वो अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनके तमाम उनके कैंप के विधायक सीपी जोशी के घर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या वाकई अशोक गहलोत वहां इंतजार कर रहे थे या उन्हें इस बात का आभास था कि ये सारे के सारे विधायक यहाँ नहीं आएंगे? और सबसे अहम मीटिंग आज की शांति धालीवाल के घर जो भी विधायकों की मीटिंग हुई है, उसके अलावा मैरियट में जो मीटिंग हुई है अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत के बीच, वो मीटिंग कई मायने रखती है। देखिए अब राजस्थान की राजनीति में आज की रात क्या कुछ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्तीफे से लेकर आप देखिए बगावती सुर, यहां तक ये भी कहा गया कि आला कमान हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो शब्द विधायक यहाँ कह रहे हैं क्या उन्हीं के शब्द है या फिर ये शब्द किसी और के हैं और जबान किसी और की? चंदन बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से शिवांगी बता रहे हैं कि जो मैरियट में जो बातचीत हुई थी उसमें प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक खड़गे साहब, इसके अलावा अशोक गहलोत की बातचीत हुई थी।
यहाँ पे क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज दिया गया, लेकिन इसके बाद आप देखिए तमाम 100 विधायक जो है वो बगावत पे उतर आए, और जैसा कि शिवांगी कह रहे थे हो सकता है अवार्ड उनको लेकिन शब्द किसी और के हो। खाजरियावास साहब हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, आपको लोग मीडिया देख भी रही है, सर ये जानना चाहते हैं कि इस चीज का पूरा असर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उस पर कैसे देखते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर है, वो संभालने में सक्षम है, बुलाएं विधायकों को, राजी कर लें। क्या अशोक गहलोत जी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वो उनके आह्वान पर हम देश में सड़कों पर जाकर अपनी जान दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मर सकते हैं उनके लिए, तो क्या वो बुलाकर राजी नहीं कर सकते अपने परिवार के सदस्यों को? हमारा हक नहीं है क्या? एमएलए का हक नहीं है? एमएलए यही कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी से भी आप लोग की नाराजगी है? अभी एमएलए ये चाहते हैं कि हमसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं ले। मतलब आप लोग, अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूं, ये बात आप लोग नहीं चाहते? समझ लीजिए, अभी मुख्यमंत्री वो हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं। हमारे एंकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं क्या? मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, मैं राजस्थान का रोड मास्टर हूं, आंदोलन का, संघर्ष का खिलाड़ी हूं। जहां आप खड़े हो सिविल लाइन वहां से, अरे ऊर्जा यार, मैं इसी सिविल लाइन से एमएलए हूं, इसलिए नारे लग रहे हैं, मुझे गलतफहमी नहीं है मेरे बारे में। क्या माना जाए विधायक दल की बैठक कब होगी? अब तो विधायक दल की बैठक तो विधायक जब कहेंगे तब कर ले, अभी कर दे विधायक की सड़क पे। नहीं, लेकिन आप देखिए, वो जो 100 ML छोटे ज्यादा एमएलए आला कमान की बात आप मान रहे हैं, कह रहे हैं कि आला कमान की बात को हम नहीं टालते हैं, आला कमान के 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए, आप लोग उनसे मिल ही नहीं रहे? उनका कैसे नहीं, मैं मिल के आया हूँ माकन साहब से और खड़के, अकेले मिलने की बात है, विधायक दल की बैठक थी ना, साथ विधायक कहना मानने को तैयार है, महासचिव ने बकायदे मैसेज दिया था कि साथ क्या बोले यहाँ पे एमएलए जो स्थिति है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम उनसे मिले हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी बात मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब जो बैठक हुई इसके पहले शाम को अशोक गहलोत, मजय माकन और खड़गे के बीच, उसमें लग रहा है आलाकमान का कुछ संदेश उनको दिया गया, और उसके बाद लगता है कि किसी के इशारे पर ये सारे जो 100 विधायक एकजुट हुए और एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि अगर उनसे पूछे बिना आलाकमान कोई फैसला थोपता है तो वो लोग इस्तीफा दे देंगे। और इसमें भी देखिए मजे की बात, देखिए कि अंदर वहीं पे सीएम आवास में खड़गे साहब, अजय माकन और अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, और वहीं से बाहर जो स्पीकर का आवास है थोड़ी दूर पे, वहां पे 100 विधायक है और वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं कि भाई उनकी अगर सुनी नहीं जा रही, अगर नहीं सुनी जाएगी तो वो लोग इस्तीफा दे देंगे। तो ये है वहां की सियासत, किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। और इन सब के बीच हालांकि देखिए कि जो सचिन पायलट खेमा है खामोशी के साथ पूरे प्रकरण को देख रहा है, लेकिन हंगामा जो हुआ है आप देखिए बातों बातों में प्रताप सिंह जी काफी कुछ बोल जाते हैं। कई बार वो बोल गए कि भाई आला कमान हमारी बात सुनता नहीं है, लेकिन हम उसके लिए हम जान भी दे देंगे, सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को रोकना ये उनका मकसद है। पूरा का पूरा कमान संभाले, और अगर अशोक गहलोत नहीं है तो फिर उनके किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यहाँ पर आप देखिए हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लगभग सभी ने चुप्पी साधी, और ऐसा लग रहा है कि उनको कहा गया है कि कुछ ना कहें। विक्ट्री साइन लगातार बस के भीतर से दिखाते हुए ये विधायक निकल रहे थे, और जब बस निकली थी शांति धालीवाल के घर से तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो कि इंतजार कर रहे हैं इन सभी विधायकों का, वहां ये पहुंचेंगे बैठक के लिए। लेकिन जरा तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि लगातार समर्थकों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, और आपको बता दें कि नारेबाजी की जा रही है, बस अभी भी यही है और यही वो बस है जिस बस की दिशा क्या होगी, क्योंकि वही अब राजस्थान की राजनीति की जो दिशा है वो तय करेगी। तो ऐसे में इस बस से सभी विधायक यहां पहुंचे, और इसके बाद आप देखिए कि सीपी जोशी के घर में इन सब की मौजूदगी है, और ये देखना होगा कि इस वक्त भीतर क्या कुछ गहमा गहमी है। कई विधायक ऐसे थे जो अपनी खुद की गाड़ियों से आए हैं, और इन तमाम लोगों से बातचीत हमने की, कई विधायकों से हमने बातचीत भी की, खासकर प्रताप सिंह से। तो आपने देखा साफ तौर पर उनका ये कहना था कि देखिए ये बगावत हो रही है, और ये बगावत इसलिए हो रही है क्योंकि हमने आला कमान तक ये खबर पहुंचाई थी कि हमें किस बात पर आपत्ति है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ऐसे में ये हमारा बागी होना ये कोई खराब बात नहीं है। और आप खुद ये देखिए कि अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले, नामांकन भरने से भी पहले, गांधी परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं चंदन। अगर वो अध्यक्ष बनने से पहले अगर हम इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो वो अभी से चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मी है ऐसे में कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए और खासकर आलाकमान के लिए ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि अध्यक्ष पद के पहले ही यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कहें तो हम सचिन पायलट जो कि टेक ऑफ करना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, रनवे ही हटा दिया गया कहीं ना कहीं। और देखिए
अब एक एक कर कई विधायक बाहर निकल रहे हैं, और जब विधायक बाहर निकलते हैं तो नारेबाजी यहाँ तेज हो जाती है, क्योंकि समर्थकों की भीड़ जो मुख्यमंत्री आवास पर थी, सबका सब पूरा का पूरा जो हम कहें भीड़ सुरक्षा सब कुछ अब मूव हो गया है सीपी जोशी के घर, क्योंकि आज सब कुछ यही तय होना है। चंदन बिल्कुल बिल्कुल, देखिये शिवांगी एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से हलचल वहां पे बची हुई है। और सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होने वाली है, वहां पर लोग नहीं पहुंचे। सीपी जोशी जो स्पीकर, उनके घर पे सारे विधायक पहुंच रहे हैं, यानी माना जाए कि अब तो लगभग 10 बजने वाले हैं। लग रहा है कि आज की जो बैठक होने वाली थी एक तरीके से वो हो ही नहीं पाएगी। जो आसार तो ये दिख रहे हैं कि भाई ये लग रहा हो सकता है ये बैठक ना हो पाए, क्योंकि सीएम आवास में लोग इंतजार कर रहे हैं। और इधर सारे विधायक सीपी जोशी के आवास पे पहुंच रहे हैं कि भाई हम लोग अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं अगर आला कमान उनकी बात नहीं मानता, अगर फैसला थोपता है तो। अच्छा, दो दो बातें यहाँ पे कर रहे हैं प्रताप सिंह जी, कह रहे हैं कि भाई आला कमान जो कहेंगे हम उनको मानने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो हम इस्तीफा देंगे। मैसेज गया सचिन पायलट को, आपने जबरदस्ती पैराशूट करके लाना चाहा तो वो एक मैसेज गया कि सचिन पायलट को यहाँ के लोग नहीं पसंद करते, विधायक उनके साथ नहीं है, जमीन पे उनकी स्थिति क्या है वो एक मैसेज गया। लेकिन अशोक गहलोत एक मजबूत नेता के तौर पे निकल कर आए हैं, और शायद ये मजबूत नेता पार्टी को पसंद नहीं है। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिए, जब जब संकट आया ऐसा मजबूत नेता खड़ा हुआ है, तो चाहे वो महात्मा गांधी का दौर हो, जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा चुनाव जीत के आते हैं 1939 में, जो गांधी जी का कैंडिडेट था उसको हराते हैं तो गांधी जी नाराज होते हैं, बाद में सुभाष चंद्र बोस को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा जब चुनौती देके पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नेहरू जी के कैंडिडेट को हरा के आते हैं तब वो नाराज होते हैं, फिर पुरुषोत्तम दास टंडन उनके कैंडिडेट को ही अध्यक्ष मानते हैं। तो ये पूरा इतिहास रहा है, और ऐसी नाराजगी का सामना करना पड़ा है कई बार कांग्रेस अध्यक्ष को, आला कमान को। लेकिन इस तरह का संकट सबसे खराब दौर, देखिए कांग्रेस का इससे खराब दौर नहीं हो सकता है, सिर्फ दो राज्यों में सरकार बची है, 50 के आसपास आपके सांसद हैं, तो ये सबसे बुरे दौर में कांग्रेस गुजर रही है। और इस वक्त में जो डीलिंग होना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं से नेताओं से जो डील करने का तरीका होना चाहिए, वो पुराना तरीका नहीं होना चाहिए। एक नए तरीके से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को डील करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को डील किया वो अच्छा तरीका नहीं था, जिस तरह से आपने तमाम नेताओं को छोड़ दिया, उनको निकलने दिया पार्टी छोड़ के, वो तरीका नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात रवि जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये पूरा इतिहास रहा है कि जब जब कोई कद्दावर नेता, जो मजबूत नेता होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान उससे किनारा करते हैं और उसके पावर को कम करने की कवायद की जाती है। और यहाँ पर जो शिवांगी भी बता रही थी कि अभी अध्यक्ष वो बने नहीं, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं राजस्थान में उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है कि अभी वो अंदर कहने के लिए अजय माकन और खड़गे के साथ बैठे हैं, लेकिन बाहर जो उनके समर्थक विधायक हैं वो अलग ही माहौल बनाए पड़े हैं कि अगर आला कमान उनके मन मुताबिक फैसला नहीं करता तो वो इस्तीफा दे देंगे। आज राजस्थान के गांव गांव घड़ी घड़ी की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये बात का एहसास करा रहे हैं कि अशोक गहलोत ही राज्य के नेता है, उन्होंने ये बात तो साबित कर दिया है कि बतौर अध्यक्ष को उनको आप ले जा रहे थे और उनको कमजोर अध्यक्ष के तौर पे साबित करना चाहते थे कि अध्यक्ष बनने वाला आदमी जो अपनी कुर्सी उस आदमी को देके जाना देना चाहते थे पार्टी के आला कमान, जिसको वो नहीं चाहता था। तो आज की तारीख में भले सचिन पायलट को आला कमान की मर्जी के बगैर बना भी दिया जाए तो अब सचिन पायलट की स्थिति बहुत कमजोर स्थिति हो गई है। सचिन पायलट शायद उस कुर्सी को स्वीकार भी नहीं करना चाहेंगे जो कुर्सी अब उनको मिलेगी। तो कुल मिला जुलाकर अब अशोक गहलोत एक बड़े नेता के तौर पर तो उभरे हैं, लेकिन एक चैलेंज के तौर पर उभरे हैं गांधी परिवार के लिए। अब गांधी परिवार इस नेता को किस तरह से स्वीकार करता है, क्योंकि सबसे लॉयलिस्ट लीडर, देखिए आज की डेट में जितने नेता हैं, चाहे तो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अगर आपको देखिए अशोक गहलोत हो, तो ये एक आसपास के नेता हैं, सब 70-77 के नेता हैं जो संजय गांधी की टीम के नेता हैं। और इन नेता जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, एक एक अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है वहां पर। और इन सब के बीच आप देखिए सचिन पायलट का खेमा बिल्कुल खामोश होकर नजर बनाए हुए है, लेकिन गहलोत खेमे के जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो सड़कों पर हैं और लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचाए हुए हैं। और इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है कि अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।